चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो पाने के लिए पास में दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ओम और आज हम बात करेंगे रेडमी की 7 सीरीज़ के बारे में। 7 सीरीज़ में अभी तक के मार्केट में 3 फ़ोन लॉन्च हुआ है और वो तीनों फ़ोन के लुक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो तीनों की तीनों देखने में एक जैसा ही है, तो इसमें आप कौन सा फ़ोन कैसा है आप बताइए, इसमें कौन सा किसका। तीनों फ़ोन जो है, मैं 7S है, नोट 7 और नोट 7 प्रो, तीनों फ़ोन है। तीनों फ़ोन्स की फ्रंट लुक देखिए, इसमें आपको पता नहीं चलेगा कौन सा फ़ोन क्या है, इसका नाम क्या है। तीनों का लुक्स एक जैसा है। फर्स्ट में मैंने जो फ़ोन रखा है उसका नाम नोट 7 है, उसमें बीच वाला नोट 7S है और जो लास्ट वाला है वो नोट 7 प्रो है। इसका फ्रंट लुक्स था और ये इसका बैक लुक है। बैक लुक भी एक ही जैसा है, आप देखिए एक ही जैसा लुक उनमें तीनों में। आप कुछ कुछ भी पता नहीं चलेगा कौन किसका नाम क्या है। और अभी साइड व्यू थोड़ा अलग है, जो नोट 7 S और नोट 7 प्रो का जो एक जैसा लुक है और नोट 7 का थोड़ा अलग लुक है। जो कैमरा वाला देखिए, मैंने इसमें दिखाया है जो कैमरा का पोजीशन है वो थोड़ा अलग है, ये थोड़ा बाहर निकला हुआ है। और जो साइड जो नोट 7 का है उसका कैमरा थोड़ा कम है इसलिए वो अंदर है, बाकी सब कुछ एक ही जैसा है। अब जिस भी फ्रंट लुक देखिए, बैक लुक देखिए और साइड वाला देखिए, सब एक जैसा है। और अभी भी इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में हम बताएंगे। तीनों फ़ोन में कुछ कॉमन फीचर्स है, जैसे कि उसकी बैटरी हो 4000 mAh की बैटरी, 6.3 इंच की फुल HD डिस्प्ले, 13 MP का फ्रंट कैमरा और तीनों के तीनों में हाइब्रिड सिम स्लॉट है। और उसका जो वेट है 186 ग्राम तीनों में है और उसमें 3 कलर वेरिएंट तीनों के तीनों में आता है। इसका जो ग्राफिक्स है 409 PPI तीनों में तीनों है। और उसके अगर बात करें उसका वाईफाई और ब्लूटूथ, वो भी एक ही जैसा है। उसके बाद उसमें हम आते हैं कुछ अलग फीचर जो कॉमन नहीं है, जैसे कि उसके बैक कैमरा नोट 7 में आता है 12+2 और नोट 7S और नोट 7 प्रो में तीनों में एक ही 48+5 MP का कैमरा आता है। अगर नोट 7 के फीचर के बात करें तो उसमें आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर, ऑक्टाकोर 2.0 GHz एड्रिनो 612 में, मगर नोट 7 और नोट 7S में वो उसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 ऑक्टाकोर 2.2 GHz के साथ एड्रिनो 512 का फीचर सपोर्ट करता है। वो थोड़ा अलग अलग दिया है उसने, उसके प्राइस रेंज भी उसी हिसाब से अलग होने वाला है ये। और इसमें सपोर्ट करता है कोई क्विक चार्जर 4.0 जो प्लस प्रूफ है दोनों नोट 7 और नोट 7 प्रो में, मगर नोट 7S में इसके बारे में कुछ दिया नहीं है। अगर कुछ नोटिफिकेशन के इसमें दिया नहीं कि पता नहीं है कि इसमें दिया है या दिया नहीं है। तो ये जो है उसकी प्राइस रेंज में थोड़ा अलग आने वाला है, तो उसकी प्राइस रेंज के बारे में हम अभी बात करेंगे कि किसकी कितना प्राइस अभी है। और जो वेरिएंट है वो तीनों की एक ही वेरिएंट के बारे में मैं बताने वाला हूँ, 4 और 64 GB के वेरिएंट में। 4 और 64 GB चारों के जो तीनों फ़ोन है, तीनों में नोट 7 का जो प्राइस है 11,999 रुपीज़ है और जो नोट 7 प्रो का प्राइस है 13,999 रुपीज़ जो उसका जो वेरिएंट है 4 और 64 GB का। मगर हम अगर बात करेंगे 4 और 64 GB 7S की वेरिएंट का, तो उसका प्राइस आता है 12,999 रुपीज़। दो तीनों में सिर्फ नोट 7 प्रो में 1,000 का डिफरेंस है, मगर कुछ उसका जो फीचर है उसमें थोड़ा कुछ में कोई फीचर है और इस एक में कुछ फीचर नहीं है, उसी हिसाब से उसने रेडमी ने अपना ये जो प्लानिंग किया है और मार्केट में दूसरे फ़ोन के साथ एक बड़ी टक्कर देने वाला है। ये आपके ऊपर फुली डिपेंडेंट है कि आप कौन सी फ़ोन में जाए, रेडमी नोट 7 नोट या नोट नोट 7S या फिर रेडमी नोट 7 प्रो में। तो अगर आप प्रोसेसर में जाए तो रेडमी नोट 7 प्रो का अच्छा है, अगर क्या और कैमरा में हम जाते हैं तो आप कैमरा में दोनों नोट 7 प्रो और नोट 7S में एक ही कैमरा है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो कौन सा फ़ोन लें और कौन सा फ़ोन ले लें, तो वीडियो में इतना ही। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।